नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो लूट की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो अलग अलग मामलों में कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से पुलिस ने लूटे हुए रुपए और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी ने बताया कि तिलवारा थाना अंतर्गत मुकेश जैन और उमेश झारिया नाम के दो व्यक्तियों के साथ अलग अलग स्थानों पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही लूट की घटना को अंजाम देने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए रुपये और तीन मोबाइल फोन, जबकि वही घटना में प्रयुक्त चाकू भी आरोपियों से पुलिस ने बरामद किया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। तो लूट की वारदातें हुई थी, उसमें हमारी थाना प्रभारी तिलवारा और उनकी पूरी टीम ने बड़ी तेजी से काम किया। उसमें कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी थे, उसमें मुकेश जैन और उमेश झारिया के साथ ही वारदातें हुई हैं 24 तारीख की रात्रि में। उसमें से दोनों लोग व्यवसायी टाइप के लोग हैं। मौका पाके मुकेश जैन के साथ दो लोगों ने वारदात करी है, जिसमें प्रिंस बर्मन और मोनू ठाकुर ने वारदात की थी। इनको पकड़ लिया गया है। इससे लगभग एक मोबाइल फ़ोन और कुछ पैसे लूटे गए थे। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के साथ उमेश झारिया के साथ चार लोगों ने वारदात की थी। इसमें रजित सोनी, बजरंग यादव, बिक्की साहू और जित्तू राठौर, ये चार लोग थे। इन लोगों ने इसके साथ वारदात की थी, चाकू मार के इसका मोबाइल फ़ोन और पैसे छुड़ा लिए थे। ये सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस तरह से 24 घंटे के भीतर ही दोनों लूट का पर्दाफाश किया। थैंक यू सर। क्या कारण पिछले वर्षों में लगातार कम हुई है, अपराध कम हो रहे हैं और जो भी अपराध हो रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं? थैंक यू। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।